नमस्कार दोस्तों, मुंबई के 26/11 हमले को आज 13 साल पूरे हो गए। यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता। साल 2018 में एक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक आतंकवादी ग्रुप का हमला हुआ था जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। 26 नवंबर साल 2008 के ही दिन समुद्री के रास्ते से आए लश्कर ए तबाह के 10 आतंकियों ने पूरे मुंबई को बम धमाके और गोलीबारी से दहला दिया था। मुंबई में हुए आतंकी हमले को आज 13वीं बरसी है। इस हमले में करीबन 160 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। मुंबई हमले को याद करते हुए लोगों का दिल आज भी दहल उठता है। मुंबई हमले की छानबीन से जो भी सामने आया वो बताता है कि आतंकवादी का जो ग्रुप था वो कराची के रास्ते मुंबई में घुसा था। उस नाव पर 4 भारतीय भी सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया था। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब यह हमलावर पुलवा के पास टफरेट के मछली बाजार के पास उतरे थे। वहां से वो 4 अलग अलग ग्रुप में बट गए और टैक्सी को लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। बताया जाता है कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ लोगों को उस पर शक भी हुआ था और उन्होंने वहां की पुलिस को उनकी जानकारी भी दी थी, लेकिन उस इलाके की पुलिस ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही कोई बड़े अधिकारियों को और ना ही खुफिया एजेंसी को इसके बारे में कोई जानकारी दी। रात के करीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की एक खबर सामने आई। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी की सजा हो चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफल थी और महज 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 109 लोगों को जख्मी कर दिया था। 26/11 हमले के 3 सबसे बड़े टारगेट थे मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय टाइटन होटल और नरिमल हाउस। जब हमला हुआ तो ताज होटल में तकरीबन 450 लोग और ओबरॉय होटल में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताजमहल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमले की पहचान बन गया था। हमले की अगली सुबह यानी कि 27 नवंबर को खबर आई कि ताज होटल से सभी बंधकों को छुड़ा लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला कि हमलावरों ने और कुछ लोगों को बंधक बना रखा है जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे। उधर 2 हमलावरों ने मुंबई के यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडोस ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और फिर काफी देर तक चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया कर दिया गया, लेकिन एक NSG कमांडो की जान भी चली गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। पूरी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन तब तक करीबन 107 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। आज इस हमले को 13 साल हो गए हैं दोस्तों। इस सत्य घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है मुंबई टेरर अटैक 26/11। अगर आपको वो फिल्म देखनी है तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से देख सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और अगर आप इंडिया इन्फो प्लेटफॉर्म पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।